हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैलजर सिटी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ का न्यू चैप्टर, दैट इज रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। व्हाट इज रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन होता क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको एनर्जी की नीड होती है फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और ये एनर्जी मिलती कहाँ से है उनको, फूड से। तो उन ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, ऑक्सीजन का क्या रोल प्ले है जब फूड से एनर्जी मिल रही। तो लेट अस सपोज एक पर्सन है जिसके पास, एक पर्सन ए है जिसके पास एक बाइक है। इसकी बाइक में पेट्रोल भी भरा हुआ है, तो क्या इसकी बाइक चल रही होगी? नहीं। इसकी बाइक क्यों नहीं चल रही होगी? जब तक स्टार्ट नहीं की जाएगी, और स्टार्ट करने के लिए स्विच को या फिर बटन को या की को टर्न करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्विच को ऑन करना पड़ेगा या की को लगाना पड़ेगा और टर्न करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, स्पार्क प्रोड्यूस होगा। और इस स्पार्क से ये जो पेट्रोल की जो एक पत्ती सी धारा होती है, स्ट्रीम होती है, वो बर्न होगी। अब जब ये पेट्रोल बर्न होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और इस एनर्जी से इस बाइक का इंजन रन करेगा, और जब इंजन रन करेगा तब ये बाइक चलेगी। ठीक, तो क्या किस चीज की रिक्वायरमेंट हुई बाइक को रन करने के लिए? भाई बाइक में तो पेट्रोल था, तो क्या चल रही थी बाइक? नहीं, जब तक ये पेट्रोल बर्न नहीं हुआ था। एंड बर्निंग के लिए कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट होती है? इट इज O2। सिमिलरली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या बोल सकते हो जो सेल्स हैं, जो लिविंग स्टेट में है, उनके अंदर फ्यूल के फॉर्म में क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज इज जस्ट लाइक अ पेट्रोल ऑफ ईच सेल। जितनी भी सेल्स हैं, ग्लूकोज आपका फ्यूल का काम कर रहा है। तो ग्लूकोज प्रेजेंट है तो क्या एनर्जी मिल रही होगी? नहीं। ग्लूकोज से तो कुछ और भी कंपोनेंट बन सकते थे, लेकिन सपोज उस पर्टिकुलर सेल में प्रोटीन बनाना है, और उस प्रोटीन को बनाने के लिए एनर्जी, कोई भी काम करोगे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये ग्लूकोज से कैसे एनर्जी मिलेगी? इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ये जो ग्लूकोज है, ये ब्रेक डाउन होता है बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को यूज करके, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो कैसे आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा होगा? तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में ऑक्सीजन का भी नीड होती है, तब जाके एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी बनती है। अब वो एनर्जी सेल में अगर तुरंत यूज होनी होगी तो होगी, अदरवाइज ये एनर्जी स्टोर हो जाती है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी, जैसे कि आप लगातार आप ऑक्सीजन ले रहे हो, रेस्पिरेशन हो रहा है, हम बात कर रहे हैं एनिमल्स के केस में, अंदर एयर ले रहे हो, इनहेल कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन जा रही है। हर एक सेल के अंदर ग्लूकोज होगा, तो लगातार ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा होगा और एनर्जी बन रही होगी। भले ही अगर वो इंसान सो रहा हो तो इतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो अगर एनर्जी बन रही है और वहां पे उस टाइम पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो स्टोर फॉर्म में आ जाती है, जिसको हम लोग एटीपी बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी एंड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनर्जी, दिस इज नोन एज रेस्पायरेशन। इसको हम लोग रेस्पायरेशन बोलते हैं। तो नाउ लेट्स रीड द कंटेंट। ऑल लिविंग सेल्स इन अ प्लांट, क्योंकि प्लांट में रेस्पायरेशन स्टडी कर रहे हैं, और इसमें हम लोग ह्यूमंस में भी रेस्पायरेशन, आगे चैप्टर है उसको में भी देखेंगे। तो ऑल लिविंग सेल्स इन अ प्लांट एज वेल एज दोज इन एनिमल्स रिक्वायर्स एनर्जी। सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हर एक सेल को, प्लांट की हो या फिर एनिमल की हो, फॉर वेरियस बॉडी एक्टिविटीज। बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए बॉडी इसकी, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग अप प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड। प्लांट में भी तो प्रोटीन बनता है, पल्सेस है, पल्सेस क्या प्लांट है, तो वहां पे भी तो प्रोटीन बन रहा होगा, एमिनो एसिड से बनेगा, तो उस प्रोटीन को बनने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। या ग्लूकोज से स्टार्च को बनता है, तब भी आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फ्रूट्स जो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं सोयल से, तब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जो नई सेल्स बनती है प्लांट में, उसमें सेल वॉल नई फॉर्म होती है, तो उसको बनने में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लांट में भी उस एनर्जी को बनाने के लिए रेस्पायरेशन होता है। ऐसा नहीं है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो रेस्पायरेशन नहीं होगा, सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ही फोटोसिंथेसिस होता है। दिस
एनर्जी इज मेड अवेलेबल बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ये आपको किससे एनर्जी मिलती है, जो ये ग्लूकोज होता है जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है उसके ब्रेकडाउन से मिलता है। सो दिस केमिकल ब्रेकडाउन अकर्स बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ओवरऑल रिएक्शन C6H12O6। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन हुआ, CO2 बना, वाटर बना एंड ATP मॉलिक्यूल्स बने जो कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये रिएक्शन आपकी मल्टीपल स्टेप में होती है, ऐसा नहीं है सिंगल स्टेप में लिखी हुई तो एकदम से हो जाती, नहीं। और इसको परफॉर्म करने के लिए वेरियस एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस रिएक्शंस के ऊपर यहाँ पे लिखा है एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पायरेशन इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में जो यहाँ पे अभी हम लोगों ने रीड करी है, तीन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या है? फर्स्ट, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर डज नॉट अकर इन अ सिंगल स्टेप बट इट इन अ सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप। बहुत सारी सीरीज के केमिकल स्टेप में होता है, स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन होता है, सिंगल स्टेप में नहीं होता है। अगर सिंगल स्टेप में होता ना तो बहुत सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है, स्टोर फॉर्म में ना आ पाती। तो ये दो मेजर फेजेस में होता है, वन इज द ग्लाइकोलिसिस एंड अनदर वन इज क्रेब्स साइकिल। तो आपके में ये डिटेल में नहीं है, क्लास 11th के सिलेबस में, तो जो स्टूडेंट्स बायो ऑप्ट करेंगे वहां पे ये डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पाइरुवेट में, और ये 10 स्टेप्स की रिएक्शन होती है, और इस सेल के कौन से पार्ट में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। आफ्टर दैट ये पाइरुवेट जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और वहां पे क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, तब जाके आपके एटीपी वहां पे बनते हैं। टोटल ब्रेकडाउन आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। ठीक, अगेन सपोज हम ड्रॉ कर लेते हैं प्लांट की सेल को, ये प्लांट की सेल है, प्लांट की सेल में फ्लोएम के थ्रू हर एक सेल के साइटोप्लाज्म तक क्या आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा। तो मैंने ये साइटोप्लाज्म बना लिया है, बाकी मैं कोई भी सेल ऑर्गेनल्स और नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, ना ही वैक्यूल, ना ही न्यूक्लियस, कुछ भी नहीं, सिर्फ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया को ही मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया एक ड्रॉ कर लेते हैं। वो पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, पावर हाउस है तो पावर बन रही होगी, एनर्जी बन रही होगी। तो ग्लूकोज तो सब में प्रेजेंट होगा, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, डिजोल्व फॉर्म में होगा ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पाइरुवेट में, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पाइरुवेट में कहाँ पे होता है, पाइरुवेट एक कंपोनेंट है, वेट में साइटोप्लाज्म में होता है। ये 10 स्टेप की रिएक्शंस होती हैं, स्टेप बाय स्टेप होते हैं, इसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। देन ये पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है और क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है, एक साइकिल होती है, इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स बनते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये दो आपके फेजेस होती हैं रेस्पायरेशन में। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो हर एक स्टेप है वो पर्टिकुलर एंजाइम की वजह से ही होता है। जैसे घर में सब्जी काटने को अगर बोला जाता है, आपने एक आलू का पीस लिया और आलू के पीस से आपको सब्जी बनानी है, तो कोई भी पर्सन होता है कि छोटे छोटे पीसेस पहले निकालता है, कि पहले दो बड़े बड़े पीसेस करता है, फिर उससे छोटे पीसेस, फिर फर्दर छोटे पीसेस। तो सिमिलरली जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ऐसा तो नहीं होगा एक छोटा छोटा पीस निकालू, नहीं, पहले पाइरुवेट में, फिर पाइरुवेट के बाद फर्दर ब्रेकडाउन होगा, CO2 के फॉर्म में बाहर रिलीज होगा। अब उसको ब्रेकडाउन करने के लिए आपको नाइफ की रिक्वायरमेंट है, या फिर अगर आप बोलते हो आपको गाजर का हलवा बनाना है तो आपको जो ग्रेटर होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, कद्दूकस। सिमिलरली ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन में हर एक जो स्टेप है उसको परफॉर्म करने के लिए आपको एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, आपको मतलब इन द सेंस सेल में एंजाइम प्रेजेंट होता है हर एक स्टेप को परफॉर्म कराने के लिए। नेक्स्ट, द एनर्जी लिबरेटेड इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज नॉट ऑल इन द फॉर्म ऑफ हीट, बट अ लार्ज पार्ट ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP जिसका नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी लिबरेट हुई, वो अगर वहाँ पे उस पर्टिकुलर सेल में अगर एनर्जी का उस टाइम पे यूज होना होगा तो वो यूज हो जाएगी, अदरवाइज वो ATP में स्टोर हो जाएगी। ATP में क्या होता है, कंपाउंड है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, तो 3 फॉस्फेट जुड़े होते हैं एडिनोसिन से। देखिए जैसे कि मैंने हाथ पकड़ा हुआ है, जितना लूजली पकड़ेंगे, कोई इसको तोड़ेगा आके तो उतना लूजली टूटेगा, लेकिन जितना टाइटली पकड़ेंगे उसको
आपको कोई आके सामने से फ्रंट को उतना झटके से हटेगा। सिमिलरली फॉस्फेट बॉन्ड की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो फॉस्फेट जब एनर्जी बनती है तो फॉस्फेट को जोड़ने में यूज हो जाती है, और जब जब लिबरेट करना होता है तो फॉस्फेट अलग हो जाता है और एनर्जी बाहर आ जाती है, उसको यूज कर लिया जाता है कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो याद रखनी है रेस्पायरेशन के रिगार्डिंग। फर्स्ट, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन सिंगल स्टेप में नहीं होता है, बहुत मल्टीपल स्टेप में होता है। यहाँ पे दो फेजेस हैं, ग्लाइकोलिसिस जो साइटोप्लाज्म में होता है, ग्लूकोज का पाइरूवेट में ब्रेक डाउन एंड क्रेब्स साइकिल, पाइरूवेट CO2 6H2 एंड ATP में ब्रेक डाउन होता है। हर एक रिएक्शन एक एंजाइम्स के थ्रू ही होती है, एंजाइम के प्रेजेंस में ही होगी, एंड जो एनर्जी लिबरेट होती है वो ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। एंड द फुल फॉर्म ऑफ ATP इज एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। फॉस्फेट बॉन्ड से जो एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, जैसे ही वो बॉन्ड टूटता है लिबरेट हो जाती है वो एनर्जी। तो यहाँ पे कुछ ऐसा एक स्कीमेटिक डायग्राम दिया गया था बुक में, ब्रेकडाउन ऑफ फूड ग्लूकोज इन रेस्पायरेशन, एनर्जी बनी वो एनर्जी हीट के फॉर्म में कुछ चली गई, और कुछ आपका ADP एडेनोसिन डाईफॉस्फेट था, उससे एक और फॉस्फेट आके जुड़ गया, ATP बन गया। फर्दर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये फॉस्फेट हट जाएगा और ADP आ जाएगा, और एनर्जी जो लिबरेट हुई है वो यूज हो जाएगी फॉर डूइंग वर्क। नेक्स्ट, व्हेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इज यूज्ड, द ATP इज कन्वर्टेड टू ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अभी तीन देखिएगा, ये कोई एक मॉलिक्यूल है, मैं इसे ब्रिक शेप का बना दे रही हूँ, एडेनोसिन है, इससे तीन फॉस्फेट जुड़ रहे हैं, एक दो तीन, तो ये क्या हो जाएगा एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। जब एक फॉस्फेट हट जाएगा तो ये फॉस्फेट हट गया और एनर्जी लिबरेट हो गई, और ये क्या बन गया एडेनोसिन डाईफॉस्फेट। और फिर से अब ये मोनो पे नहीं जाता है, जब बहुत ही कम एनर्जी होती है तब इसका ब्रेकडाउन होता है, अदरवाइज फिर से भाई रेस्पिरेशन तो लगातार हो रहा होता है ना, तो ये फॉस्फेट फिर से आगे जुड़ जाता है और फिर आपका एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो ये कंटिन्यूएशन साइक्लिक प्रोसेस है एक तरह से। एंड अगेन व्हेन मोर एनर्जी इज अवेलेबल बाय फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज द ATP इज रिकन्वर्टेड इनटू ATP। देखिएगा इस डायग्राम में ये साइकिल जो सेंटर पे दे रखी गई है, ADP से फॉस्फेट जुड़ा तो ATP, अब जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो फॉस्फेट अलग हो गया, एनर्जी बाहर हो गई, फिर से एनर्जी ज्यादा आई तो फिर आपका ATP बन गया, तो ये साइक्लिक रिएक्शन चलती रहती है। नेक्स्ट, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन यील्ड्स, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से जब पूरी तरह से वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो कितने ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं, 38 ATP। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ATP, व्हाट इज ATP, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं, इसके ब्रेकडाउन से पैसा होता है आपके लिए, एनर्जी करेंसी, करेंसी एनर्जी है भाई एक तरह से, तो यहाँ पे भी सेल के लिए भी आपका ATP है एनर्जी करेंसी। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड सेल, लिविंग सेल्स नीड एनर्जी विच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, जो किसके फॉर्म में अवेलेबल है सारे सेल को सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, ATP के फॉर्म में, और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फॉस्फेट उससे रिमूव हो जाता है, एनर्जी बाहर निकलती है वो काम करने के लिए यूज हो जाती है। हेंस दिस केमिकल कंपाउंड ATP इज डिस्क्राइब एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। रेस्पायरेशन की डेफिनेशन ओवरऑल यहाँ पे दे रखी गई है, रेस्पायरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, अभी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस को अभी स्टडी करेंगे। कैटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम सिंपल शुगर ग्लूकोज फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेसेस, ये आपका एनर्जी बनाने वाला प्रोसेस है जिसमें कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस। अब यहाँ पे कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या है, हर एक सेल के अंदर लगातार रिएक्शंस चल रही होती हैं, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म। आपने सुना होगा ना कि ये इतना खाता है तब भी मोटा नहीं होता है, इसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, दैट मीन्स हर एक जो सेल है बॉडी की वो बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही है, सारा का सारा एनर्जी को यूटिलाइज कर जा रही है, तो स्टोर हो ही नहीं पा रहा है, फैट हो ही नहीं रहा है उसमें। तो अब इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में सेम टाइम पे सेल के अंदर कुछ चीजें बन रही होंगी और कुछ चीजों का ब्रेक डाउन हो रहा होगा, तो बनने वाली रिएक्शंस को हम बोलते हैं सिंथेसाइज हो रही है, तो सिंथेसिस रिएक्शन, एंड कुछ आपके चीजों का ब्रेक डाउन हो रहा होगा। सपोज आपका कोई प्रोटीन बनना है तो एक फर्दर प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो रहा है, उसके अमीनो एसिड दूसरे प्रोटीन को बनाने में यूज हो रहे हैं, या और जब आपका कोई चीज बन रही है जब दूसरा जो प्रोटीन बन रहा है वो तो बनने वाला प्रोसेस है ना, तो इनको हम लोग दो तरह की रिएक्शंस में क्लासिफाई कर देते हैं। जो सिंथेसाइज वाली रिएक्शन होती है, सिंथेसिस वाली होती है वो एनाबॉलिक रिएक्शन होती है, जो ब्रेकडाउन वाली होती है वो कैटाबॉलिक होती है। तो यहाँ पे रेस्पायरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस।
एनाबॉलिक कंस्ट्रक्टिव या फिर बायोसिंथेटिक प्रोसेस है, इट कंज्यूम्स एनर्जी लगने में, और कैटाबॉलिक टूटने वाला है तो टूटने में एनर्जी लगनी नहीं होती है, डिस्ट्रक्टिव ब्रेक डाउन है, इट गिव्स आउट एनर्जी फॉर द यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन इज द ब्रेक डाउन प्रोसेस बाय विच अ लिविंग सेल ऑक्सीडाइजेस ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है? ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ब्रेक डाउन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ड दिया गया है ऑक्सीडाइजेस, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। ये डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, रेस्पायरेशन वर्सेस बर्निंग। बर्निंग एंड रेस्पायरेशन, जिसको हम लोग बर्निंग को कंबशन भी बोलते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है? समटाइम्स रेस्पायरेशन इज कंपेयर्ड विद बर्निंग, सच एज द बर्निंग ऑफ अ कोल। कोल को भी बर्न करने एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बट वो सिंपल सिंगल स्टेप का प्रोसेस है, बहुत सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होती है। बट जो रेस्पायरेशन होता है मल्टी स्टेप प्रोसेस है, वहां पे एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत ही कम एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होती है और सारी की सारी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो रेस्पायरेशन और बर्निंग में यहाँ पे हम लोग कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। बोथ लिबरेट एनर्जी, रेस्पायरेशन से भी एनर्जी लिबरेट हो रही है और बर्निंग से भी लिबरेट होती है एनर्जी। बोथ गिव द एंड प्रोडक्ट, दोनों से ही CO2 एंड प्रोडक्ट मिलता है एंड वाटर मिलता है। यहाँ पे CO लिखा हुआ है, इट इज CO2, बट दिस कंपेरिजन इज ओनली सुपरफिशियली, ऊपर ऊपर का ही कंपेरिजन है। जो मेन डिफरेंसेस हैं वो ये हैं, रेस्पायरेशन एंड बर्निंग कंबशन। ये आपका रेस्पायरेशन केमिकल स्टेप है, सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, ये सिंगल स्टेप का है, ये एंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है रेस्पायरेशन, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है रेस्पायरेशन, लिविंग सेल के अंदर हो रहा है, केमिकल ब्रेक डाउन हो रहा है। ये आपका बाहर से दिखता है, कोई चीज़ बर्न करो, पेपर को आपने बर्न किया, फिजिकल जो नेचर था वो चेंज हो गया, ऐश में आ गया, तो बिल्कुल केमिकल नेचर भी और फिजिकल, मतलब जो पेपर था वो ऐश के फॉर्म में आ गया, तो फिजिको केमिकल प्रोसेस है। यहाँ पे रेस्पायरेशन में एटीपी प्रोड्यूस होती है एंड सम हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन यहाँ पे हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है बर्निंग में। नो लाइट इज प्रोड्यूस्ड इन रेस्पायरेशन, लाइट इज प्रोड्यूस, ये रेस्पायरेशन सेल के अंदर होता है, बर्निंग सेल के बाहर। मतलब कोई भी चीज़ को जला देते हैं तो बाहर ही हो रही है, कोई पेपर को भी जला रहे हो, प्लांट की सेल को आप बर्न कर रहे हो। और जो रेस्पायरेशन होता है बॉडी टेम्परेचर पे होता है, लेकिन आपको पता है बर्निंग तो हाई टेम्परेचर पे होती है। नेक्स्ट, द एंटायर प्लांट रेस्पायर, पूरा प्लांट में ही रेस्पायरेशन होता है भाई, पूरा प्लांट ही लिविंग होगा, जो डेड पार्ट है वहां पे नहीं होगा, लेकिन डेड पार्ट सिर्फ बाहर वाला जो बार्क वाला पार्ट होता है प्लांट का वही तो होता है, लेकिन अंदर का तो प्लांट आपका लिविंग है। तो प्लांट पूरा का पूरा प्लांट रेस्पायर करता है, तो एवरी पार्ट ऑफ प्लांट सच एज द लीव्स, लीव्स दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस, रात के टाइम रेस्पायरेशन करते हैं, स्टेम रूट एंड इवन द डीपेस्ट प्लेस सेल इन एनी रीजन रेस्पायर। कोई भी सेल जो अगर लिविंग है वो बिल्कुल डीपेस्ट प्लेस्ड है प्लांट में, वो भी रेस्पायर करेगी। अब ये अलग बात है, एनिमल्स की कंपैरिजन में प्लांट को एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होती है, उनको ना तो कहीं खेलने कूदने जाना होता है, ना ही ऑफिस पे जाना, एक जगह खड़े हुए हैं ठीक, और फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटमोसफेयर थ्रू 3 इनलेट्स, तो इन प्लांट्स के पार्ट्स को ऑक्सीजन 3 इनलेट से मिल सकती है। स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं लीफ में, जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, तो स्टोमेटा से स्टेम में ओपनिंग्स होती हैं, छोटी 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 लेंटिसेस, एंड रूट्स में उनके सरफेस एरिया से ही डायरेक्टली ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है। नेक्स्ट, जो हम लोग टिल्ट करते हैं सॉइल को, वो है ना जो आपका रोटेट करते हैं सॉइल को, जिसको हम लोग प्लोइंग बोलते हैं या टिलिंग ऑफ सॉइल बोलते हैं, क्रिएट्स अ टाइनी एयर स्पेसेस। सॉइल को ऊपर नीचे रोटेट करते हैं तो सॉइल ऊपर आ जाती है, बिल्कुल दबा के नहीं भरते हैं, ठस के नहीं भरते हैं, तो उसके बीच में क्या आ जाते हैं, एयर स्पेसेस आ जाती हैं अराउंड द सॉइल पार्टिकल्स एंड प्रोवाइड द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर द रूट। रूट्स को ऑक्सीजन का सोर्स प्रोवाइड करते हैं, तभी वो बार बार टिल किया जाता है, ब्लो किया जाता है। वाटर लॉज्ड एंड कॉम्पैक्ट सॉइल, अगर कहीं पानी बहुत ज्यादा भर दो आप अपने पॉट्स में या फिर जो आपका गार्डन है, या फिर सॉइल बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो, ठस के भरी हुई हो, तो उसमें एयर स्पेसेस नहीं होती हैं और रेस्पायरेशन में प्रॉब्लम आती है, रूट्स रेस्पायर नहीं कर पाती हैं। ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, खाने बनाने में वाली जो प्रोसेस है, द लीव्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, सम ऑफ विच इज यूज इन रेस्पायरेशन एंड द रेस्ट इज डिफ्यूज आउट। अब देखो जिसका पल्ला भारी, तो यहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन यूज हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन लिबरेट हो रही होती है, तो वही ऑक्सीजन रेस्पायरेशन में यूज होती है अगर रिक्वायरमेंट होती है, और बाकी की लिबरेट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस में भी लाइट एनर्जी आपका केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस में भी एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन इन द लीव्स, अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती रेस्पायरेशन में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाती है एज अ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। दोनों आपके प्रोसेस चल रहे होते हैं, आप कौन सा प्रोसेस ज्यादा चल रहा है। ये लीव है, इस लीव में जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर से फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में कहाँ पे आ गई, C6, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से C6H12O6 ग्लूकोज के फॉर्म में। अगर रेस्पायरेशन हुआ यही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, O2। तो यही O2 फिर से आपके सॉरी CO2 प्रोड्यूस करेगा, और यहाँ से क्या प्रोड्यूस हो गई थी, O2 प्रोड्यूस हुई थी। तो ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहता है, ये O2 फर्दर इसके ब्रेक डाउन में यूज हो जाएगी और ये जो CO2 है वो आपका फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगी। तो नेट गेन आपका O2 का होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एट नाइट। बट नाइट के टाइम पे क्या होता है, इवन द लीव्स ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर। अब लीव्स देंगी नहीं रात में, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, वो ऑक्सीजन लेंगी एटमोसफेयर से। दिन के टाइम पे तो लिबरेट हो रही थी ऑक्सीजन, लेकिन रात में ऑक्सीजन लेंगी एटमोसफेयर से एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, पूरा का पूरा रेस्पायरेशन प्रोसेस होगा। हेंस देयर अपीयर्स टू बी सम ट्रूथ इन बिलीव दैट वन शुड नॉट स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट। तभी बोलते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उस समय पेड़ आपका रिलीज कर रहे होते हैं, दिन के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं, लेकिन बट एक्चुअली देयर इज मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन साइड आर हाउस देन अ ट्री एट नाइट। ट्री है बाहर की साइड हो तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके रूम में ज्यादा है एज कम्पेयर टू द आउटर एनवायरमेंट, बाहर का जो सराउंडिंग है वहां पे नहीं इतनी कार्बन डाइऑक्साइड। स्लीपिंग अंडर अ ट्री ड्यूरिंग हॉट मिड डे इज डेफिनेटली गुड एज वन गेट्स बोथ ऑक्सीजन ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। अगर दिन के टाइम पे कोई पेड़ के नीचे सोता है तो उसको क्या मिलती है, ऑक्सीजन तो मिलती है, साथ ही साथ कूलनेस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, और उसको कूलनेस भी मिलती है। कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं यहाँ पे। व्हाट आर द थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अबाउट द ओवरऑल केमिकल इक्वेशंस ऑफ रेस्पायरेशन पर्टेनिंग टू द फॉलोइंग। फर्स्ट सिंगल और सेवरल स्टेप्स, तो ये सेवरल स्टेप्स हैं, सेवरल स्टेप। नेक्स्ट डायरेक्ट और एंजाइम, एंजाइम कैटलाइज्ड हैं। फॉर्म ऑफ एनर्जी लिबरेटेड किस फॉर्म में होती है आपकी, एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है एंड हीट के फॉर्म में होती है। नेक्स्ट क्या दिया, लिस्ट थ्री वेज इन विच रेस्पायरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम बर्निंग। बर्निंग से रेस्पायरेशन कैसे डिफरेंस है, सिंगल स्टेप का प्रोसेस है बर्निंग, रेस्पायरेशन मल्टीपल स्टेप में होता है, सेल के अंदर रेस्पायरेशन होता है बर्निंग बाहर होता है, बर्निंग से हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, रेस्पायरेशन से हीट एंड एटीपी प्रोड्यूस होता है। नेम द थ्री इनलेट्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन इन प्लांट, सरफेस से, लेंटिसल से एंड स्टोमेटा से। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन को स्टडी करेंगे।